हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जो भी मेरे होम गार्डन पर, यानी कि हमारे होम गार्डन पर जितने भी फ्लावर्स हैं, आज हम उनको पूरा दिखाने वाला हूँ मैं आपको पूरा। तो फिर शुरू करते हैं। आई होप कि आपको देखकर काफ़ी मज़ा आएगा। तो फिर देखते हैं। सबसे फर्स्ट में है ये इंडियन ब्लैंकेट फ्लावर, ये देख सकते हैं, ये इस तरह का फ्लावर होता है। ये कुछ सूख गए हैं और उसमें सीड के रूप में उसको यूज़ किया जा सकता है, स्टोर करके रख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये रेड और येलो कलर का ये फ्लावर होता है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत। सेकंड में अपना ये क्राइसेंथेमम, ये देख सकते हैं कितना छोटा सा प्लांट है और अभी विंटर के सीजन में इसमें फ्लावर लग रहे हैं येलो कलर के। ये एक और है, काफ़ी छोटा प्लांट है लेकिन इसमें फ्लावरिंग हो रहा है अभी, येलो इस कलर का, काफ़ी खूबसूरत है। यह अपना रुइलिया ट्यूबरोसा, यानी कि इसको बोलते हैं मैक्सिकन पिटूनिया। ये देख सकते हैं, यह अपने आसपास पूरा ग्रो करने लगता है, यानी कि प्रोपेगेट करता है अपने आसपास पूरा। ये देख सकते हैं, अपने आप ही प्रोपेगेट होता है, आपको करने का ज़रूरत नहीं है। और इसमें पर्पल कलर का फ्लावर लगता है। और ये है अपना 9 o'clock, कि मॉस रोज भी बोलते हैं इसको। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये फैला हुआ है, बस इसे पानी वाली जगह पर उगा दो, ये अपने आप ही प्रोपेगेट करके इतना फैल जाता है। ये देख सकते हैं, ये पिंक कलर का, पिंक रेड कलर का ये फ्लावर है। उसके बाद ये अपना सदाबहार, यानी कि सदा सुहागन का पौधा। ये देख सकते हैं, ये पर्पल यानी और बोल सकते हैं डार्क पिंक कलर का ये फ्लावर है। काफ़ी मेडिसिनल रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है, इसके फूल और पत्ती को। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर में इसका यूज़ किया जाता है। शुगर वाले पेशेंट इसके फ्लावर और पत्तियों का उपयोग करते हैं सुबह मॉर्निंग में, इसे इसकी पत्ती और फूलों को जमाने से शुगर और हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। उसके बाद ये देख सकते हैं, इसमें इसमें फली लगा हुआ है जिसमें सीड भरा होता है। ये भी प्लांट आसानी से प्रोपेगेट करता है और आसपास जितने भी, ये देख सकते हैं, इसको मैं बोल रहा था वही मैक्सिकन पिटूनिया, पर्पल कलर का फ्लावर लगा इसमें। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये सब क्राइसेंथेमम है अलग अलग कलर्स के। कुछ तो अभी सूख चुके हैं, जो लाइट पिंक कलर का था वो सूख चुका है पूरा। ये देख सकते, इतना ज़्यादा फ्लावरिंग हुआ है कि पौधे की पत्तियाँ भी नहीं दिख पा रही है। काफ़ी बड़ा बड़ा फ्लावर लगा है इसमें, देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत भी दिखने में। काफ़ी लोग इसे डहलिया भी बोलेंगे, लेकिन ये क्राइसेंथेमम का ही प्लांट है, डहलिया के आकार के इसमें फ्लावर लगा लगे। देख सकते हैं कितना फ्लावरिंग हुआ है, और हम लोग इसमें कोई भी फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करते हैं। एक और अपना सदाबहार का पौधा व्हाइट कलर का, आप भी इसे अपने होम गार्डन पर रखें, काफ़ी मेडिसिनल उपयोग है इसके, आप भी इसे उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉक्सकॉम, ये देख सकते हैं, ये कितना बड़ा फ्लावर है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है, मखमल टाइप से, मखमल यानी कि वेलवेट टाइप से फील होता है इसको छूने से। एक विंटर फ्लावर है और काफ़ी सुंदर दिखता है, ऊंचाई में लगभग ये 4 4 फीट के आसपास ऊंचा होता है ये फ्लावर। ये देख सकते हैं, इसमें पूरा सीड भरेंगे इसके फ्लावर में, बाद में फ्लावर के निचले भाग में। उसके बाद ये अपना जिसको रातरानी बोलते हैं उसको फ्लावर, और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्मेल होता है, हम जानते ही होंगे, वाइट और पिंक रेड कलर का इसमें फ्लावर लगता है। ये अपना उसके बाद फ्रेंच मेरीगोल्ड, मैं देख सकते हैं एक साथ इतने सारे पौधे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक ही प्लांट है। मैं देख सकते इतना फ्लावरिंग हुआ, इतना खूबसूरत लग रहा है, कुछ ही मत, काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लांट है और काफ़ी खूबसूरत है, ये देख सकते हैं। फ्रेंच मेरीगोल्ड नॉर्मल येलो मेरीगोल्ड से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, देखिए कितना बड़ा प्लांट है, 100 से भी ज़्यादा इसमें फ्लावर लगे हुए हैं। उसके बाद ये अपना हम जानते हो कि इसे रेड कलर का फ्लावर, लेकिन विंटर का सीज़न है लेकिन अब भी फ्लावरिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पास हमेशा पानी होता है, इसलिए इससे लग रहा होगा फ्लावर प्लांट को कि अभी भी बारिश का मौसम है। ये देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से सीड लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर है। इसे और क्या नाम जानते हैं, शायद इंग्लिश रोज़, फिर नहीं पोटो पोटलुका रोज, मुझे फिलहाल अभी तो याद नहीं आ रहा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या नाम से जानते हैं आपके रीजन में। उसके बाद ये अपना जंगली गुलाब का पौधा देख सकते हैं, जंगली गुलाब का पौधा हर एक सीज़न में फ्लावरिंग देता है, इसलिए आप इसे अपने होम गार्डन पर रखें, काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी ईजी टू ग्रो होता है और प्रोपेगेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसे। ये देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत इसमें फ्लावर लगे, नॉर्मल आपका ग्राफ्टेड या फिर इंग्लिश गुलाब का पौधा, इंग्लिश रोज का पौधा काफ़ी स्लो ग्रो करता है और जल्दी ही बीमार पड़ जाता है और काफ़ी कमज़ोर होता है वो पौधा, इसलिए आप इस टाइप के वाइल्ड रोज प्लांट यानी कि जंगली गुलाब का पौधा ज़रूर रखें। ये देख सकते हैं, एक और है, देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसमें फ्लावर लगे हुए हैं। इसके बाद अपना साइड पर है हिबिस्कस, हिबिस्कस का प्लांट काफ़ी बड़ा प्लांट है, कम से कम 8 फीट का होगा। ये देख सकते हैं,
इस टाइप का ये हिबिस्कस है, ये रोज वाला हिबिस्कस काफ़ी सुंदर लगता है दिखने में। और इसमें कुछ फ्लावरिंग हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हैं कितना सुंदर है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि अभी और भी फ्लावर्स प्लांट दिखाने वाला हूँ। और अगर वेजिटेबल्स भी देखना चाहते हैं आप मेरे होम गार्डन का, तो फिर उसका भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इसको प्रोपेगेट करना भी आसान है, इसके आप स्टेम को लगा सकते हैं काफ़ी इजीली, ये ग्रो कर जाता है बारिश के सीज़न में, काफ़ी इजीली ग्रो करता है। और तो फिर आप ट्राई करिएगा कि बारिश के सीज़न में ही इसको प्रोपेगेट करने की कोशिश करें। कोई भी फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करते, नहीं वेजिटेबल्स में नहीं फ्लावर्स में, फिर भी काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये भी जंगली गुलाब का पौधा है लेकिन ये वाइट वाइट कलर का है, अभी तो फिलहाल ज़्यादा से फ्लावर नहीं लगे हुए। जंगली गुलाब का पौधा वैसे तो सभी सीजन में फ्लावरिंग देता है लेकिन बारिश में और गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितना फ्लावर लगता है। ये अपना 4 o'clock का पौधा, शायद इसे होली फ्लावर भी बोलते हैं, काफ़ी खूबसूरत भी होता है। और 4 o'clock क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं, शाम के टाइम में भी, शाम के टाइम पर खिलता है लेकिन मैं इसे देखा हूँ कि ये सुबह टाइम में भी खिलता है, यानी कि 10-11 बजे के आसपास। देख सकते हैं इस टाइप के इसमें सीड लगता है, ऊपर देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आपको। ये भी प्लांट काफ़ी खूबसूरत होता है और काफ़ी कलर्स भी मिल जाएंगे आपको इसमें। ये प्लांट आपका 2 फीट के आसपास ऊंचाई का होता है, आप पॉट में आसानी से लगा सकते हैं। देख सकते हैं अभी फ्लावरिंग नहीं हुआ है, मुरझा चुका है, शाम के टाइम पर फिर से एक बार फ्लावरिंग होगा। तो फिर वीडियो अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।